दोस्तों, कंप्रेसर नया लगाने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो देखिए वीडियो, यहाँ पे देखिए हमने जो ड्राई फिल्टर था पुराना वाला, यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास पुराने वाला था, तो इसको हमने अभी चेंज कर दिया है, नया ड्राई फिल्टर लगाया है। और ड्राई फिल्टर कभी भी लगाएं तो ये जो एरो है यानी तीर का जो निशान है वो हमेशा इंडोर की साइड में रहे, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फेसबुक पे देख रहे हैं ये वीडियो तो पेज को फॉलो करें। देखिए फ्रेंड, ये हमने आज कंप्रेसर चेंज किया है 2.5 टन का और यहाँ पर अभी हमने जॉइंट भी मार दिया है दोनों सेक्शन और डिस्चार्ज। और यहाँ पर देख सकते हो आप ये कितना ऑयल है, यानी ये हमारा जो पुराना कंप्रेसर का ऑयल था वो है। इसके वजह से हमारा सिस्टम चोकअप था, क्योंकि जो हमारा आउटडोर है वो ऊपर है, इंडोर नीचे है, इसके वजह से मशीन चलते चलते कंप्रेसर का जितना भी ऑयल होता है पूरा मशीन में चला जाता है और कंप्रेसर धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो कभी भी आप नया कंप्रेसर लगाते हैं तो प्रॉपर फ्लश करना है, स्टेनर चेंज करना है, ड्राई फिल्टर चेंज करना है, अगर कैपिलरी सही है तो रहने देना है, नहीं तो नया लगाना है। और वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कैसे एसी को फ्लैश करता हूं, तो वीडियो लास्ट तक देख के जाइएगा। तो ये हमारा देख सकते हो आउटडोर का कंडेंसर के अंदर कितना कचरा था, और फ्लैशिंग के बाद देख सकते हो आप कितना गंदा था, ये पूरा कचरा बाहर आ गया है। और अभी हम लोग इसको अच्छे से और फ्लैश करेंगे। और अभी हम लोग करने वाले हैं इंडोर की सफ़ाई, तो वीडियो देखिए इंडोर की सफ़ाई कैसे होती है और कितना सारा ऑयल निकलता है, वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। आया 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 आया, ओ भाई साहब देख के तो जाओ कितना सारा ऑयल देख लो फ्रेंड। देखो इस तरह से अगर आप फ्लैशिंग नहीं करोगे ना तो आपका कंप्रेसर और आपकी जो मशीन है कूलिंग कर नहीं करेगी। देखो भाई साहब, ओ हो कितना सारा ऑयल,
यहाँ तक आपने वीडियो देखा और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको तो कमेंट में बताएं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंप्लेन और नई वीडियो के साथ।